ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। यानी कि इसका हिंदी में अर्थ, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले। यह इसका शाब्दिक अर्थ है। आखिर गायत्री मंत्र को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्या है इसके पीछे राज? इस मंत्र से व्यक्ति को क्या लाभ होते हैं और इसके नियम क्या है? इन सब विषयों पर हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं गायत्री मंत्र के संबंध में। गायत्री मंत्र को हमारे शास्त्रों में महामंत्र की संज्ञा दी गई है। 24 अक्षरी इस मंत्र में ईश्वर को प्राप्त करने की शक्ति समाहित होती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान देना है कि इस मंत्र का जाप सही तरीके से करना बहुत आवश्यक होता है। गायत्री मंत्र अन्य कई मंत्रों से ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली माना गया है। शास्त्रों में भी इस मंत्र का प्रभाव अत्यधिक बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने के लिए कोई विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी इस मंत्र का जाप एक समय और नियम के साथ किया जाए तो यह एक ऐसा मंत्र है जिसमें हर समस्या का निदान छिपा हुआ है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को मानसिक शांति के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होता है। अगर हम इसके जप के पहले समय की बात करें तो गायत्री मंत्र का जप प्रातःकाल सूर्य उदय से थोड़ी देर पहले करना चाहिए और सूर्य उदय होने के बाद तक इसे जारी रखना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर के समय में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरी बार इस मंत्र का जाप संध्या समय में, यानी कि सूर्यास्त होने से कुछ देर पहले से इस मंत्र को शुरू कर सूर्यास्त के बाद तक इस मंत्र को जारी रखना चाहिए। माना जाता है गायत्री मंत्र के जाप करने से व्यक्ति को अपने जीवन में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा आती है। व्यक्ति खराब से खराब परिस्थितियों में भी बहुत आसानी से और धैर्यपूर्वक उन परिस्थितियों को पार कर देता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति सन्मार्ग की ओर प्रेरित होकर धर्म और सेवा जैसे कार्यों को करने लगता है। इस मंत्र से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। गायत्री मंत्र के नियमित जप से कई तरह की व्याधियों से छुटकारा मिल जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का चेहरा तेजमय हो जाता है, चेहरे पर चमक आ जाती है, व्यक्ति का शरीर निरोगी रहता है। इस मंत्र के जाप से नेत्रों में तेजी आती है, यानी कि नेत्र की तेज बढ़ती है। गायत्री मंत्र के नियमित जाप से व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह एक सफलता प्रदान करने वाला मंत्र है। यदि आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब भी गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत लाभकारी परिणाम देगा। शास्त्रों में गायत्री मंत्र को बेहद शक्तिशाली माना गया है। इसे महामंत्र कहा गया है। गायत्री मंत्र यजुर्वेद के मंत्र और ऋग्वेद के छंद के मेल से बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि इस मंत्र के अर्थ को समझकर अगर पूरी एकाग्रता के साथ इस मंत्र का जाप करें तो व्यक्ति के शरीर में बेहद सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो व्यक्ति को ईश्वरीय शक्ति का एहसास कराता है। शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह मंत्र बहुत श्रेष्ठ माना गया है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। कहा जाता है कि इन 24 अक्षरों में 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियां, 24 सिद्धियां और 24 शक्ति बीज भी शामिल है। इस मंत्र के जाप से इन सभी शक्तियों का लाभ और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसे शुद्ध तरीके और नियमानुसार जाप करने से व्यक्ति के जीवन की हर एक परेशानी दूर हो जाती है। गायत्री मंत्र में समाहित ये 24 शक्तियां सफलता शक्ति, पराक्रम शक्ति, पालन शक्ति, कल्याण शक्ति, योग शक्ति, प्रेम शक्ति, धन शक्ति, तेज शक्ति, रक्षा शक्ति, बुद्धि शक्ति, दमन शक्ति, निष्ठा शक्ति, धारण शक्ति, प्राण शक्ति, मर्यादा शक्ति, तप शक्ति, शांति शक्ति, कौल शक्ति, उत्पाद शक्ति, रस शक्ति, आदर्श शक्ति, साहस शक्ति, विवेक शक्ति और सेवा शक्ति।
यह शक्तियां इस मंत्र में समाहित हैं। गायत्री मंत्र का नियम और ठीक तरीके से जाप करने से और ठीक विधि के अनुसार जाप करने से व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है और व्यक्ति को तनाव और चिंता जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है और करियर ग्रोथ करने लगता है। समाज में व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ जाता है, व्यक्ति से नकारात्मकता दूर हो जाती है और तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा भी हर एक समस्या का समाधान इस मंत्र में छिपा है। तो जिस भी व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, उस व्यक्ति को इस मंत्र का जाप अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर मैं उन परिणामों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा तो यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप हर एक मर्ज की दवा समझते हुए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो यह गायत्री मंत्र के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।